पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ। गुड मॉर्निंग। तो कल कहाँ तक पढ़ लिया था? बातें हो गई थी व्हाट इज मोल और मोल पढ़ क्यों रहे हैं, इतना ही तो हो गया था ना। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी से कमेंट्स में बताइए कौन कौन से लोग आ गए। कल आपको ऑडियो और वीडियो की दिक्कत थी, आज शायद वो नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कल की चीज़ें, हमने क्यों पढ़ी थी और कितना पढ़ लिया था। तो पहली चीज़ हो गई थी कि मोल क्यों पढ़ रहे थे, तो याद है आपको मोल हम क्यों पढ़ रहे थे। नाइन्थ वाले थोड़े से इसको ऐसे समझें कि अभी उनकी शुरुआत है, ठीक है, और दो एक दिन बाद आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होने लगेंगी। तो मोल हम लोग क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि केमिस्ट्री की नाप तौल और थ्योरेटिकली जब हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस तो फिर उनको मोल्स के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए मोल पढ़ना जरूरी था। दूसरा, मोल क्या होता था, तो मोल इज़ नथिंग, इट इज़ अ नंबर विच इज़ इक्वल्स टू 6.023 × 10²³। इतनी बातें क्लियर हो गई थी। फिर हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ मोल किया था, याद कीजिए क्या किया था, कैलकुलेशन ऑफ मोल, यही तो किया था। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल क्या फार्मूला होता था, ग्रामवेट अपॉन मोलर मास अपॉन, देखिए साथ साथ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी और मैं भी समझूंगा कि आप चीज़ें समझ रहे हैं, ग्रामवेट अपॉन मोलर मास, क्लियर। तो ग्रामवेट क्या होता था, किसी भी केमिकल सबस्टेंस का जो हमें क्वेश्चन में वेट गिवन होता था, और मोलर मास किसी भी केमिकल सबस्टेंस के वन मोल का मास, ठीक है, वन मोल का मास क्या कहलाता था, मोलर मास, क्लियर हो गया। फिर हम लोगों ने एक चीज़ और, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सब लिख चुके थे आप लोग। मैंने कहा था किसी भी केमिकल सबस्टेंस के वन मोल का मास जो होगा वो क्या होता था, मोलर मास। अच्छा, कोई भी केमिकल सबस्टेंस किन किन फॉर्म में हो सकता है, या तो वो एटॉमिक फॉर्म में होगा या किस फॉर्म में होगा, मॉलिकुलर फॉर्म में होगा या किस फॉर्म में होगा, साल्ट वाले फॉर्म में, मैंने ये तो बोला था, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ एटम के मोलर मास देख लिए थे, जैसे हाइड्रोजन था, ये आप लिख चुके हैं, इसे रिपीट नहीं करना है, मैं रिपीट इसलिए करा रहा हूँ कि आपको रिकैप हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, तो कितना था हाइड्रोजन, 1 ग्राम, ठीक है, और ऐसे ही ढेर सारे हम लोगों ने लिखे थे। हम लोगों ने कार्बन लिखा था कितना था, 12 ग्राम, हम लोगों ने नाइट्रोजन लिखी थी कितना था, 14 ग्राम। जब मैं अभी आगे क्वेश्चन लगवाऊंगा, जब मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, तो आप इसे जो आपने ये राइट डाउन किया है ना अपनी नोटबुक में, इसे आप अपने सामने रखेंगे, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उन्हें तुरंत याद नहीं हो गया होगा, तो वो सामने रखेंगे, जब मैं जिसका पूछूंगा आप उसका देख के मुझे बताएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो चार बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा वो, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट मैंने जैसे इसका निकलवाया था, ये क्या थी, मेथेन, नाम के चक्कर में ना पढ़िए वो, आगे धीरे धीरे जब आप कई बार क्वेश्चन करेंगे तो नाम आपको याद हो जाएंगे। ये थी मेथेन, इसका कितना आया था, 16 ग्राम, देखते जाइए आप। CO2 कितना था, 44 ग्राम, ठीक है। ऐसी एक चीज़ और रहती है अमोनिया, ये मैंने शायद कल नहीं लिखवाया था आपको, ठीक है। तो अमोनिया कितना हो जाएगा, जरा एक बार रिकैप कर लें, याद कर लें कैसे निकालते हैं, 14 प्लस कितनी हाइड्रोजन, 3, एक का कितना, 1, तो कितना हो गया, 14 और 3, 17 ग्राम। अमोनिया का मोलर मास 17 ग्राम, अमोनिया का मोलर मास कितना, 17 ग्राम, ठीक है। ऐसे मैंने एक साल्ट भी लिया था, आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट, छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ आज, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कितना होता था, 40, एक कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन है, एक का वेट कितना, 16, ऐड कर लीजिएगा टोटल 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लिए थे कल, ठीक है, बाद बाकी और भी जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी उनको मैं राइट डाउन करा दूंगा। फिलहाल हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोल कर लिए थे, ठीक है। अब आपको मज़ा आने वाला है, इस चार्ट को जो आपने ये लिखा हुआ है ना मोलर मास, इसे आप अपने सामने रखिए, स्पेशली नए बच्चे, 12th वाले सामने नहीं रखेंगे, उन्हें पहले से पता होना चाहिए।
कई लोग ये सोच रहे होंगे सर आप नाइन्थ क्लास ट्वेल्थ क्लास ये सर कौन सा कॉम्बिनेशन है सर, बोलोगे एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं। बच्चा ये शुरुआत है, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें तो नाइन्थ वालों की क्लासेस अलग शुरू हो जाएंगी, अभी तो सेम है सब कुछ। हाँ अभी तो बिल्कुल सेम है, तो कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है नाइन्थ और ट्वेल्थ में यहाँ पर, और ट्वेल्थ वालों को कुछ ज़्यादा यहाँ पर पढ़नी नहीं है चीज़ें, उतना ही पढ़ना है सिर्फ, उन्हें एक फील हो। ठीक है तो आइए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, पहले कैलकुलेशन ऑफ मोल का फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है तो कैसे मोल निकालते थे, मोल इक्वल्स टू क्या होता था, ग्राम वेट अपॉन मोलर मास। क्लियर है, इस फार्मूले को याद रखेंगे और अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, ठीक जैसे मैं पूछूं हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। क्वेश्चन समझ में आया, सवाल समझ में आया, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम के 46 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो ग्राम वेट कितना दिया गया सारे लोग बताइए, 46। तो कैसे मोल कैसे निकालते हैं, मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल कैसे निकालेंगे, मोल इक्वल्स टू ग्राम वेट कितना है 46 ग्राम, पूरा लिखिए अपॉन, ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ ग्राम वेट लिखा है तो हमेशा ऊपर ग्राम में ही वेट होगा, मैं अगर यहाँ 46 किलोग्राम लिख दूँ तो आप उस किलोग्राम को किस में बदलेंगे, ग्राम में, मिलीग्राम लिख दूँ उसको भी आप किस में बदलेंगे, ग्राम में। अब कैसे बदलेंगे वो आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं बदलना भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है अपॉन क्या रहता है, मोलर मास, क्या रहता है मोलर मास, चलो जल्दी से बताओ सोडियम का मोलर मास 46 नहीं 23, कितना 23 ग्राम। ओके बाद बाकी फिर आपकी कैलकुलेशन बचपन से ही स्ट्रांग है, 23 × 46 कितने मोल आ गए, टू। एक चीज और ध्यान रखिए, मोल्स जो आप देख रहे हैं ना मोल्स, जैसे मैं डिस्टेंस बोलता हूं इसकी यूनिट क्या होती है मीटर, ऐसे ही जो मोल्स होते हैं इनकी यूनिट हम लोग ऐसे लिखते हैं मोल, MOL। क्लियर है तो हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, अरे सर ये क्या है, कुछ नहीं है, कितना दिया गया सोडियम 46 ग्राम, जो गिवन वेट होता है उसको ही क्या बोलते हैं, ग्राम वेट। इन चीज़ों को नोट करते जाएंगे, ठीक है अभी मत नोट कीजिएगा, आपके पास तो है ना अवेलेबल स्क्रीनशॉट लेके बाद में कर लीजिएगा। तो ये 46 ग्राम गिवन है वेट आपको, मोलर मास कितना है इसका 23, तो 46 अपॉन 23 और आजकल 23 × 2 = 46 हो रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो ये हो गया, समझ में आया, समझ में आया तो जल्दी से बताइए कमेंट्स में। चलिए अगला सवाल लेते हैं, झूठ कोई नहीं बोलेगा, अगर नहीं समझ आ रहा बोल दीजिए सर पढ़ा नहीं पा रहे आप कुछ नहीं समझ आ रहा, झूठ कोई नहीं बोलेगा। दूसरा क्वेश्चन, और अगर मज़ा आ रहा है क्लास जैसी फील आ रही वो भी ज़रूर मेंशन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ओके चलिए बताइए जल्दी से, हाउ मैनी मोल्स इन 27 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मैनी मोल्स इन 27 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर के 27 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, सारे लोग एक बार करिए अटेम्प्ट इसको और आंसर दीजिए, जो लोग कर सकते हैं वो जरूर करें। बिल्कुल अपनी क्लास ऑनलाइन है लेकिन ऑनलाइन से थोड़ा सा हम लोग दूर जाएंगे, हल्का सा कोशिश ये करेंगे कि क्लास जैसी ही फील आए, तो पहले आप इसको अटेम्प्ट कीजिए मेरे सामने ही
और जल्दी से मुझे कमेंट्स में आंसर दीजिए सारे लोग, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ हाँ कई लोग आंसर दे भी रहे हैं, कई लोगों का सही भी है। चलिए अब मैं करता हूँ, बताइए मोल्स कैसे निकालते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। नाइन्थ वाले ज़रूर बोलिए, टेंथ वाले भी। कितना, अच्छा वाटर है, वाटर का गिवन वेट कितना है, 27। तो 27 ग्राम अपॉन वाटर का मोलर मास कितना, वाटर यही तो था H2O। एक हाइड्रोजन का एक है कितनी, 2 + 16 = 18 होता था भैया। गुड, तो अपॉन 18 ग्राम। चलिए बताइए कितना आएगा, कट कर लीजिएगा आप, 3/2 मोल आ जाएंगे, 1.5 मोल। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, बैठे ना रहो ऐसे, जल्दी जल्दी बताओ, आया ना समझ में। अभी थोड़ा सा बेसिक एक चीज़ और सीख लीजिए, आगे आप जब थोड़ा सा मैं आपको बॉन्डिंग सिखाऊंगा तो आप और क्लियर से चीज़ों को समझ पाएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, जैसे जो एटम होता है ना एटम, मैं थोड़ा सा नाइन्थ वालों से ये कहूँगा कि अभी प्रॉपर मैं उनकी जब अलग से क्लास लूँगा तो पहले मैं उन्हें पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा समझाऊँगा, तब आप इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो बिल्कुल टेंशनाइज मत होइएगा, आपकी क्लास अलग से शुरू होगी, अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। मोबाइल से आप पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस आपने करी नहीं होगी, तो बस आपको एक फैमिलियर हो जाए आप कि ऐसे कुछ होता है, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा सर ये अचानक, ठीक है, मैं पहले आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ाऊँगा, उसमें ढेर सारी चीज़ें आपको लर्न कराऊँगा, फिर मैं इधर आऊँगा, ठीक है। तो बस आपका कल से शुरू हो जाएगा। तो एटम, मैं क्या बोल रहा था कि जो एटम होते हैं ना, जो आपकी पीरियोडिक टेबल में, मैं अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ टेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ वालों से स्पेशली, नाइन्थ वाले भी समझ सकते हैं, आपने इतनी तो पीरियोडिक टेबल देखी होगी। जैसे कोई आपको कोई भी केमिकल चीज़ आपको अकेली नज़र आ जाए, जैसे अकेला लिखा, जैसे कार्बन लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है, सोडियम लिखा है, और भी आपने मन से बोलिए आयरन लिखा है, ठीक है, कॉपर लिखा है, ऑक्सीजन अकेली लिखी हो, ठीक है, O2 नहीं, ये मॉलिक्यूल हो जाता है। मॉलिक्यूल कौन होता है, जो एक या एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बने, वो क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, एटम, अब क्या है, मॉलिक्यूल, अभी क्या है, एटम, अब क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक। जैसे नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन का एटम मैंने लिखा है, और अगर मैं यूँ लिख दूँ N2, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जैसे मैं थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक आपको बता दूं, जैसे मैं जब अलग अलग लिख देता हूं, जैसे मैंने एल्युमिनियम लिखा, क्या है, एटम, मैग्नीशियम क्या है, एटम, ठीक है, सोडियम क्या है, एटम, ठीक है, आयरन क्या है, एटम, जिंक क्या है, एटम, कार्बन एटम, फ्लोरीन एटम। अब मैं अगर ऐसे लिखना शुरू कर दूँ H2O, बताओ एक या एक से ज़्यादा एटम यूज हुए हैं, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल। ये क्या लिखी है, अमोनिया, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल। ये क्या लिखी है, मेथेन, क्या है, मॉलिक्यूल। CO2 क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है, SiO2 ये क्या है, मॉलिक्यूल। C6H12O6 ग्लूकोज ये क्या है, ये सब नहीं लिखना है आपको, ठीक है, ये क्या है, मॉलिक्यूल। C12H22O11 सुक्रोज ये क्या है, मॉलिक्यूल। तो ठीक है, अगर आप नाइन्थ में भी हैं, लेकिन इतना तो आपको दिखता ही है, देहाती भाषा में याद रखिए, एक से ज़्यादा एटम लिखे हो तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं न्यूमेरिकल्स पर, भाई समझ आ रहा है ना सबको, अभी मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको जल्दी से करके दिखाइए सारे लोग। ये तीसरा है ना, ठीक है, गुड, बताइए, सेम लैंग्वेज वही है आपकी बिल्कुल, मैं वो भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। हाउ मैनी मोल्स इन सिक्सटी फोर ग्राम ऑफ मे
मेथेन। अब देखिए जब मैं आपको ऐसे मेथेन लिख रहा हूँ ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, आप इसको देखेंगे कि अच्छा मेथेन तो ये होती है, तो धीरे धीरे आपको ये याद भी हो जाएगा। जल्दी से बताइए जल्दी सारे लोग कमेंट्स में। बताइए बताइए जल्दी बताइए। हाँ कई लोग बोल रहे हैं फोर। कैसे बोला फोर? फोर आपने ऐसे बोला, आपने कहा सर देखिए मोल। अच्छा नाइन्थ वाले बताएं मुझे, उन्हें इतना तो समझ में आ रहा होगा। हाँ मोल कैसे निकालते हैं, ग्राम वेट कितना दिया गया? अरे सर ये तो 64 दिया गया, 64 हो गया सर। और सर मेथेन का मोलर मास सर आपने कल ही बताया था 16 होता है, और सर टेबल्स तो हमें लर्न है, कितना हो गया 4 मोल। कितने मोल? 4 मोल। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वाह वाह बहुत मज़ा आया। अगला सवाल, ट्वेल्थ वाले बिल्कुल अजीब सा ना फील करें, ठीक है, मतलब कि आपको सब आ रहा है। कितना हो गया ये 4। ओके फोर्थ क्वेश्चन अब लोग देखते हैं हम लोग, चलिए जल्दी से बताइए। कैसे बताएंगे आप लोग? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए बताइए। 0.51 ग्राम ऑफ अमोनिया, कौन? अमोनिया आंटी, कितनी? 0.51 पॉइंट अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला ये रहा, ठीक है। इसका मॉलिकुलर वेट कितना रहता था? 17 ग्राम। अब तो मैं पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व किए दे रहा हूँ। हाँ 0.51 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन्स, फिल इन द ब्लैंक, मोल बताइए। 0.51 ग्राम अमोनिया कितने मोल रखती है, कितने मोल होते हैं 0.51 में? अच्छा सर आप तो बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे सवाल करा रहे हैं। मोल मोल सर ग्राम वेट कितना दिया गया? 0.51 ग्राम अपॉन अमोनिया का कितना वाली मोलर मास? 17 ग्राम। कितना? 17 ग्राम। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट आ गया, क्या करें? देखिए केमिस्ट्री में या आगे भी जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो ठीक है, ये तो बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, इसको आप कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है आपके लिए। लेकिन बड़ा अजीब लगेगा, मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। नए बच्चे होंगे कुछ जो मुझे नहीं प्रॉपरली जाने हैं अभी, उन्हें लगेगा बच्चा ये आप क्या समझा रहे हो, तो बच्चों वाली बातें। बेटा यही बातें आगे आपको दिक्कत करती हैं जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं, तो फिर लोगों से कैलकुलेशन नहीं होती हैं। अभी जो आपके साथी हैं जो अभी आपके साथ पढ़ रहे हैं वो आपको कमेंट्स में बताएंगे, जरा बताइए जो बच्चे इनसे परेशान हो चुके हैं। ये तो छोटी चीज़ है लेकिन जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं क्या कैलकुलेशन आपसे इतना फ्रिक्वेंटली इतनी आसान स्मूथली हो जाती हैं? ये तो आसान है। तो मैं हमेशा आपको यही रिकमेंड करता हूँ, हमेशा पॉइंट को हटा लिया करिए, ठीक है। और पॉइंट को कैसे आप हटाएंगे, तो इसको आप इधर ले आइए। आप मुझे कमेंट्स में बता देंगे कि अगर कई लोगों को ये आसान लग रहा है, मतलब इधर उधर पॉइंट कर लेते हैं आप, तो ठीक है, नहीं तो मैं स्पेशली भी 5 मिनट इसको अच्छे से 10 मिनट समझा दूंगा। तो पहले आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये समझा दूंगा। तो कैसे कर पाएंगे? 5 × 10⁻²। नाइन्थ वालों को समझाना पड़ेगा, तो वो चिंता ना करें, उनकी अलग से क्लास होगी, मैं उसमें उन्हें समझाऊंगा। 12th 11th वाले अगर इसमें परेशान हो तो मुझे बता दें, ठीक है, तो मैं उनकी कल क्लास में उनको ये समझा दूंगा। अपॉन कितना है? 17, ये भी ग्राम ही है, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3। तो कितना आ गया? 3 × 10⁻², मोल, ठीक है। इसको आप पॉइंट में वापस ले आए तो 0.03। क्लियर हो गया? आज तो आपको ऑडियो और वीडियो में प्रॉब्लम नहीं लग रही ना, और लिख मैं बढ़ा रहा हूं।
चलिए एक क्वेश्चन सारे लोग करके दिखाएंगे। सारे लोग करेंगे। हाउ मैनी मोल्स इन 100 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट के 100 मिलीग्राम में कितने मोल्स होंगे? करिए जल्दी से। ध्यान दीजिए फार्मूले में क्या होता था, ग्राम वेट। तो ग्राम वेट का मतलब क्या होता था, आप हमेशा ऊपर ग्राम में ही वेट लिखेंगे। अभी किस में है, अभी ये है मिलीग्राम में, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। नाइन्थ वाले टेंशन ना लें, उनकी क्लास अलग से होगी, मैं उन्हें अलग से समझाऊंगा, उनका अलग ही शेड्यूल होगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बस आपको एक वही फील हो कि ऐसे पढ़नी है चीज़ों को। तो जल्दी से इसको ग्राम में बदलेंगे, 11th 12th वाले 10th वाले। ट्वेल्थ वाले ध्यान दें, थोड़ा सा सुन लीजिए। इस क्लास के तुरंत बाद करंट की क्लास रहेगी ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, टेंथ वालों के लिए। तो शुरुआत आप भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप भी उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, आप उसको ज़रूर पढ़िए। टाइम मैं इस क्लास के बाद आपको बता दूंगा कि तुरंत बाद होगी या 2 घंटे बाद होगी, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए सारे लोग। कितना आया? मोल्स इक्वल्स टू ग्राम वेट, कितना दिया गया, 100 मिलीग्राम। लेकिन प्रॉब्लम है सर, हम तो यहाँ ग्राम में ही लिखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ग्राम में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप जानते हैं ग्राम को जब आप किस में कन्वर्ट करते हैं, मिलीग्राम में, तो मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 10^3 का। और जब आप मिलीग्राम को कन्वर्ट करते हैं किसमें, ग्राम में, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 10^3 का। ध्यान रखिए जब जब आप किसको, किसी भी छोटी चीज को किसमें बदलेंगे, बड़े में, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। और जब जब आप किसी बड़ी चीज़ को छोटे में बदलेंगे, सॉरी छोटी चीज़ को किस में बदलेंगे, बड़े में, सॉरी, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड। और जब आप बड़े को किस में बदलेंगे, छोटे में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। और मिली और ग्राम में, मिली और ग्राम में अंतर कितने का होता है, 1000 का, ठीक है। तो अब देखिए ग्राम बड़ा है, मिलीग्राम छोटा है, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। मिलीग्राम कैसा है, छोटा है, ग्राम कैसा है, बड़ा है, तो 1000 का डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अब इन चीज़ों को अलग से नहीं सिखा सकते ना, साथ ही साथ चलता रहता है, बस आपको ये चीज़ें अब क्लिक कर जानी है आपके माइंड में, और कहीं ना कहीं लिख लेना है अगर आपको नहीं आ रहा है। वैसे मैं नहीं समझता हूँ कि आपको ये आ नहीं रहा होगा, और नहीं भी आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सीखने ही तो आए हैं हम लोग। अच्छा सॉरी, हाँ, इसका आंसर कितना आ गया, तो 100 × 10^3 कितना कर देंगे, -3, ठीक है, अपॉन कितना, ठीक उड़ गया, कितना आ गया, 0.001 मोल। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
क्लास वाली फील आ रही है, थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं समझें, कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ तो पहले ओवर से नहीं हिटिंग शुरू करी जाती ना। हाँ हाँ पहले एक बार क्लियर ये कर लें कि हमारे कितने बल्लेबाज सही खेल रहे हैं, फिर जाके मारना तोड़ना शुरू करेंगे, तब अपन लोग रन रेट बढ़ाएंगे। तो देखिए एक चीज़ बताइए मुझे, जैसे मैंने ये लिख दिया H2O, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, अब आप क्या लिख दिया H2O, नाइन्थ वाले भी ध्यान दें अच्छे से, क्या लिख दिया H2O, बताइए ये क्या लिखा हुआ है H2O, इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, दो हाइड्रोजन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं दो, ये क्या है ऑक्सीजन कितनी है एक, तो क्या मैं ये लिख रहा हूँ जब मैंने वाटर को एक बार लिखा, जैसे मैंने यहाँ लिख रहा हूँ H2O, कितने H2O लिखे तीन, तो तीन जब मैंने H2O लिखे तो इस वाले एक H2O में कितने हाइड्रोजन है एक, दो सॉरी दो, और कितने ऑक्सीजन है एक, तो बताओ जब मैंने एक बार H2O लिखा, मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नाइन्थ वालों को भी नहीं कुछ मालूम है ना, ठीक है, ट्वेल्थ वालों को मालूम होगा वाटर का वन मॉलिक्यूल है, तो थोड़ा नाइन्थ वाले ध्यान दें, टेंथ वाले भी समझें, और नए बच्चे हैं जिनको नहीं आता है वो भी सही से समझें। बताओ मैंने एक बार जब H2O लिखा तो कितने हाइड्रोजन आए दो, कितने ऑक्सीजन आए एक, तो H2O को एक बार लिखने में हमें कितने टोटल एटम्स लगे, थ्री एटम्स, क्योंकि हम जानते हैं ना मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। तो सर H2O को एक बार लिखने में कितने एटम लगे, तीन एटम। सर हम मनी मन एक बात और भी जानते हैं कि दो हाइड्रोजन लगे और एक क्या लगा ऑक्सीजन, चल भैया जरा बता अगर मैं तीन बार H2O लिखूंगा तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, दो दो चार दो छः हाइड्रोजन लगेंगे सर, और सर तीन ऑक्सीजन लगेंगी, ओवरऑल सर नाइन एटम्स आएंगे, बोलिए हाँ कि ना, ठीक है। तो बता दो अगर मैं 100 बार लिखूंगा H2O, सारे लोग बताएंगे कमेंट में, अगर मैं 100 बार H2O लिखूंगा तो कितनी हाइड्रोजन, बहुत अच्छे 200, वेरी गुड, और कितनी ऑक्सीजन 100 ऑक्सीजन, बहुत ही चालाकी भरा जवाब, क्लियर है, इतना सबको क्लियर है, ठीक 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 गुड। अच्छा एक चीज़ हमें मालूम है ना कि जो मॉलिक्यूल होता है वो किससे मिलके बनता है, एटम से, ठीक है सर, तो बताइए H2O क्या है, मॉलिक्यूल है या एटम है, बताइए जल्दी से H2O क्या है, H2O क्या है, मॉलिक्यूल है या एटम है, मॉलिक्यूल है, बहुत अच्छे, ठीक H2O क्या है मॉलिक्यूल, और H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, थ्री एटम्स, ठीक है। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, यहाँ भी कितने हैं, थ्री एटम्स, बोलिए। अमोनिया आंटी कितने नाइट्रोजन एक, कितनी हाइड्रोजन तीन, ओवरऑल कितने एटम, फोर एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, क्लियर। ऐसे ही जरा यहाँ बताइए C6H12O6, जल्दी जल्दी बताइए कितने 6, 12 और ये 24, मतलब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स, 24। ऐसे मुझे एक बात और बताइए, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के एटम हैं, तो सर वो तो सर 6 हैं, बच्चा हाइड्रोजन के कितने हैं सर 12 हैं, क्लियर है। ऑक्सीजन के कितने हैं 6, क्लियर है, ऑक्सीजन के कितने हैं 6, कोई डाउट। तो कल को मैं आपसे ये पूछूं, बताओ ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं, जल्दी बताओ कमेंट में, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है सर 12, क्यों,
सर एक में सिक्स है सर, दो में सर ट्वेल्व होंगे सर। गुड गुड, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, बताएंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इन थर्टी टू ग्राम ऑफ मेथेन हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट। क्या लिखा है? मेथेन के 32 ग्राम में कितने एटम्स हैं? क्लियर है? अब आपको ये चीज़ नहीं मालूम है, लेकिन आपको एक चीज़ तो बहुत पहले से मालूम है। सर मेथेन का जो वन मॉलिक्यूल है सर, उसमें टोटल 5 एटम्स हैं। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है ना? तो फिर आप परेशान होंगे। मेथेन के देखिए एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 5। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि 32 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं, उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। छोटी सी नाप तोल है ना, मार्केट में लेने जाते हैं चीनी आप हैं, 5 आपसे पूछा जाए, चलो भैया बताओ 1 किलो चीनी कितने की है, ठीक है 35 रुपीज़ की, तो आपसे पूछा जाए बताइए 4 kg, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने की हो गई, 140। क्लियर है? तो यहाँ भी वैसे ही है, बताइए मेथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? मेथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 5। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि 32 ग्राम ऑफ मेथेन में मेथेन के कितने मॉलिक्यूल हैं, उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझना है आपको, मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे। चलो शुरुआत है, देखते हैं। जरा मुझे बताओ मोल निकाल सकते हो? हाँ सर मोल तो निकाल सकते हैं। मोल इक्वल्स टू कितना होता है? मोल इक्वल्स टू कितना होता है? मोल ग्राम वेट अपॉन मोलर मास। बताओ भाई कितने मोल आए, टोटल कितने मोल आ गए? 2 मोल सर, 2 मोल आ गए सर, किसमें? 32 ग्राम में। पहले इतना कंफर्म कीजिए, थर्टी टू ग्राम में कितने मोल आ गए? 2। क्लियर हो गया? अब मुझे एक बात बताइए, कल आपने एक चीज देखी थी, मैंने आपको ये लिखाया था, याद कीजिए, 1 मोल मॉलिक्यूल, याद आया? तो कितने मॉलिक्यूल आए थे? 6.023 × 10³, याद है? अगर मैं कहूँ 1 मोल एटम तो कितने एटम? इतने। मैं कहूँ 1 मोल मॉलिक्यूल तो कितने? इतने ही। मैं कहूँ 1 मोल आयंस तो कितने आयंस? इतने। ठीक है, मैं कहूँ 2 मोल आयंस तो इंटू 2। क्लियर है ना? अब बताओ मुझे मेथेन के कितने मोल आए हैं? 2 मोल। मेथेन है क्या? मॉलिक्यूल है ना? अरे मॉलिक्यूल है, हाँ हाँ सही है, तो मेथेन मॉलिक्यूल है। तो बताओ अगर मैं मॉलिक्यूल निकालूं तो बताओ मॉलिक्यूल कितने होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? सर 1 मोल में, अगर 1 मोल मेथेन होती तो सर इतने मॉलिक्यूल होते, लेकिन सर ये 1 मोल तो है नहीं, ये सर 2 मोल है, तो सर इंटू 2। बोलो बोलो, तो कितने मॉलिक्यूल आ गए? 2 × 6.023 × 10³। बताओ पहले मुझे कमेंट में इतनी बात बताओ, इतना तक सबको क्लियर है? और अगर इतना आपको क्लियर है फिर तो आसान है, मॉलिक्यूल पता चल गए, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 5। तो इतने में कितने होंगे? इंटू 5। तो एटम्स कितने हो गए? इंटू 5, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा दीजिए कितना आ जाएगा, 6, मैं थोड़ा सा सही से कर दे रहा हूँ,
फाइव इंटू टू इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन की पावर 23, फाइव टू ज़ा टेन, तो एक पावर ऊपर इधर बढ़ जाएगी ना, कितना आ जाएगा 6.023 इंटू टेन की पावर 24 एटम्स। बोलिए, इतना समझ में आया? ठीक है, चिंता नहीं कीजिए, अभी ऐसे ही सवाल और लगवा रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अभी, और मतलब मैं पहले ही आपको पहले दिन ही बोला था, कल ही, नोट्स बनवाना मेरा काम नहीं है, मैं नोट्स बनवाऊंगा लेकिन दूसरे तरीके से, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये सब आपको समझ में आना चाहिए, जैसे मैं बगैर किसी कॉपी किताब के कर रहा हूँ, आपको भी लगना चाहिए छोटा मोटा हिसाब किताब है केमिस्ट्री का और ये हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन इन सब चीज़ों को राइट डाउन जरूर कीजिएगा, इनके बिना कुछ नहीं होना। मिटा दूँ? आप सर पूछ रहे हो, आधा तो मिटा ही दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ कई लोगों के ऊपर से निकल गया, ठीक है, दोबारा कर रहे हैं। जैसे आप ये बताइए, चलिए डिक्टो वही सवाल रहेगा, हाउ मैनी एटम्स प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, बताइए हाउ मैनी एटम्स प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर के 36 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे। तो पहले ये बताइए, वाटर एटम है या मॉलिक्यूल है? सर बहुत छोटी बात है, वाटर तो सर मॉलिक्यूल है, क्योंकि सर ये H2O है, एक या एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बना है। समझ में आया? H2O क्या है? मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो कंपाउंड और उसके चक्कर मत पड़िए, मैं सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि एटम नहीं है, एक या एक से ज़्यादा से मिलकर बना है तो मॉलिक्यूल है, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कितने मोल्स, मोल्स कितने हैं, सॉरी पहले थोड़ा सा आपको और समझाऊं, बताइए H2O के एक मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितने एटम हैं? थ्री एटम, बताओ 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 बताओ, क्लियर है। H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? तीन। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि 36 ग्राम ऑफ वाटर कंटेंस हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, देन वी विल मल्टीप्लाई इन दिस बाई थ्री, ओके। तो 36 ग्राम वाटर में मैं जानना चाहता हूँ कि कितने क्या हैं, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स जानने के लिए सर पहले मोल तो पता चल जाए, हमें मालूम है सर एक मोल अगर हो, वन मोल अगर हो, तो सर एन ए मॉलिक्यूल्स होते हैं या एन ए एटम्स होते हैं, याद कीजिए, कंफ्यूज मत होइए। आप कहेंगे सर तो इसके मोल निकाल लें सर, और आपने कहा था कि सर वन मोल में, किसमें, वन मोल में कितने एटम होंगे, एन ए। चलिए आप मेरे साथ एक बार दोहराइए, वन मोल में कितने एटम, एन ए, वन मोल में कितने मॉलिक्यूल, एन ए, वन मोल में कुछ भी मैं बोलूं कितना होगा, एन ए होगा। लेकिन पहले हम ये तो देखें कि वाटर जो है वो एटम नहीं है, वाटर क्या है, मॉलिक्यूल। तो इसके जो मोल निकल के आएंगे, उस मोल में अगर आप एन ए का मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, मॉलिक्यूल आएगा। अगर ये एटम होता और इसके मोल में अगर एन ए का मल्टीप्लाई करते तो क्या निकल के आता, एटम, क्लियर। घबराइए मत, ठीक है, थोड़ा बहुत रहेगा डाउट, धीरे धीरे कन्फर्म करेंगे आप उन चीज़ों को और क्लियर भी हो जाएगा। तो पहले बताओ मैं क्या निकालूँ, मोल, क्या निकालूँ, मोल, कितने मोल आएंगे, 36/18 कितना आ गया, 2 मोल, कितने मोल, 2 मोल। अब मुझे बस इतना बताओ, वाटर क्या है, मॉलिक्यूल या एटम, बस इतना बताओ, मॉलिक्यूल है ना। अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो इसके मोल में अगर मैं एन ए का मल्टीप्लाई करूंगा, लियो यहां देख लियो क्या है, मॉलिक्यूल है अगर कोई चीज, ठीक,
और अगर मैं इसके मोल में किसका मल्टीप्लाई करूँगा, एने का, तो क्या आएगा? मॉलिक्यूल ही तो आएगा। अरे भाई सोचने की बात है ना, मैं आपसे ये कहूँ एक बोरा या कोई भी चीज़ है, एक पैकेट है जिसमें फाइव क्या है, फाइव क्या है, आप मान लीजिए चॉकलेट मान लीजिए आप, ठीक है, फाइव चॉकलेट है, तो चार पैकेट में कितनी होगी, बीस। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक पैकेट में पांच चॉकलेट है तो पांच पैकेट में आपके पास 25 आम हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही, अब समझे आप। तो H2O क्या है, मॉलिक्यूल, तो इसके मोल में मल्टीप्लाई करोगे ना अगर Na का, तो क्या आएगा, मॉलिक्यूल। और अगर ये एटम होता, अगर ये एटम होता तो क्या आता, मोल में मल्टीप्लाई करके Na का, तो एटम आता, ठीक है। तो कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे जरा मुझे बताइए, कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे बताइए, कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 2 × Na भी लिख सकते हैं, आप 6.023 भी लिख दें, तो मैं बार बार वो नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा क्या लिख रहा हूँ, Na, क्लियर है। इतने मॉलिक्यूल आ गए, अब बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3, तो इतने में कितने होंगे, 3, तो 2 × Na × 3 बोले तो 6 Na। मैं फिर कह रहा हूँ आप इस 6 Na को ऐसे भी लिख सकते हो, 6 × 6.023 × 10⁻²³। ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा है, कौन इतना बड़ा लिखे, समझ में आया। चलिए अगर थोड़े बहुत कन्फ्यूजन है भी तो मैं इस सवाल में ख़त्म किए देता हूँ, इसके बाद मुझे आप फाइनल ये बता देंगे कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। देखिए जरा यहाँ आ जाइए अब आप, ठीक है, मैं दो क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ, हाउ मैनी एटम्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए ना, इतना आसान नहीं, इतना आसान होता ना तो फिर सब कुछ सारे लोग पढ़ गए होते। हाँ कठिन भी नहीं है, ये भी बात क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और मैं वादा कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। अभी मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, हाउ मैनी एटम्स इन, हाउ मैनी एटम्स इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया, क्लियर। अब आप मुझे कुछ मत बताइए, आपको कुछ नहीं करना है, मैं कर रहा हूँ, बस ये बताओ ये क्या है, सोडियम है, सोडियम को कैसे लिखते हैं, एन ए, ठीक। ये क्या है, बस मुझे इतना बताओ, सोडियम क्या है, मॉलिक्यूल या एटम है, ये है आपका एटम, क्लियर। अब मुझे ये बताओ अमोनिया को कैसे लिखते हैं, एन एच थ्री, और ये क्या है, मॉलिक्यूल या एटम है, तो ये सर है मॉलिक्यूल, क्लियर। बस मुझे इतना बताओ, मुझे कुछ नहीं जानना, क्लियर। और इस क्वेश्चन को भी भूल जाओ, हाउ मैनी एटम्स, ठीक, इसको भी भूल जाओ, हाउ मैनी एटम्स, ठीक, क्लियर। बस ये बताओ सोडियम में कितना ग्राम वेट सोडियम का गिवन है, 46, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मोल तो निकाल सकता हूँ, ठीक है, कितने मोल आएंगे, 46 ग्राम / 23, बोलिए। मैं यहाँ भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सर आपने इतना सिखा दिया है, हम लोग भी सर बहुत ही होशियार हैं सर, हम लोग मोल तो निकाल लेंगे, कितना मोल आ जाएंगे, 51 ग्राम / 17 ग्राम। चल भाई बता जल्दी से, काट के कितना आया, 2 मोल, यहाँ कितना आया, 3 मोल, जल्दी से बताओ, क्लियर, इतना क्लियर है, ठीक है। अब जो चीज़ आपको समझनी है वो समझिएगा, दोनों ही सवाल में आपको सिर्फ एक चीज पूछी गई है, हाउ मैनी एटम्स, यहाँ भी क्या पूछा गया है, हाउ मैनी
एटम्स। बस मुझे इतना बताओ, सोडियम एटम है या मॉलिक्यूल है? सर एटम है। अमोनिया सर एटम है या मॉलिक्यूल है? बताओ जल्दी से बच्चा लोग, मॉलिक्यूल है। बस अब आपको यही याद रखना है, ये किसके मोल लिखे हैं? अमोनिया के। ये किसके मोल लिखे हैं? ये किसके मोल लिखे हैं? सोडियम के। सोडियम क्या है? एटम। तो ध्यान रखो, एटम के मोल में अगर Na का मल्टीप्लाई करोगे ना 6.023 × 10^23 का, तो क्या आएंगे? एटम्स। मतलब अगर आप इस 2 मोल में किसका मल्टीप्लाई करते हैं? Na का भाई, 6.023 × 10^23 का, तो क्या आएंगे? एटम्स। क्या आएंगे? एटम्स। और अगर मैं इसके मोल में Na का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है अमोनिया, तो क्या आएंगे? मॉलिक्यूल्स। कितने? 3 × 6.023 × 10^23। इतना बड़ा बार बार ना लिख के मैं कितना लिख देता हूँ? 3 Na। इतना बड़ा बार बार ना लिख के क्या लिख देता हूँ? 2 Na। हाँ कि ना? अब आ गया समझ में? लेकिन यहाँ पूछा, अभी आपने क्या निकाल पाया है? मॉलिक्यूल। पूछा क्या गया है? एटम। अब बताओ, अमोनिया आंटी के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 4। तो × 4 = 12 Na। ओके बोलिए, आया समझ में? नहीं आया? अगर आ गया है तो इसे नोट कीजिए, इसके बाद मैं आपको यहाँ 2-3 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, कल करके दिखाइए। जल्दी इसको नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास में ओवर कर रहा हूँ, 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कल मुझे आप करके दिखाएंगे आके। जब मैं कल सेशन शुरू करूँगा तो सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन के आंसर कमेंट में मुझे बताएंगे किसका आंसर कितना आया। ठीक है, आखिरी में जाते जाते सारे लोग, मुझे जितने भी लोग अभी ऑनलाइन हैं, एक बार मुझे ये बताएं कमेंट में कि आज की क्लास कल से बेटर थी ऑडियो और वीडियो के मामले में, और आपको चीज़ें समझ में भी आई हैं, और ये आखिरी में जो आपका डाउट था ये भी आपका क्लियर हुआ है। थोड़ा जल्दी से बताइए मुझे, और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बता जरूर दीजिएगा, जैसा भी डाउट है कल की क्लास में हम उसे क्लियर कर लेंगे। नोट हो गया? मिटा दूं? ठीक है, अब जल्दी जल्दी मेरे साथ 3 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्लास ओवर। कई लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है बच्चा, ऐसा करिएगा तो मैं आपको रोक तो नहीं पाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखिए, एग्ज़ाम आपको बीच में छोड़ के चला जाएगा, बिल्कुल याद रखिए। अगर आप क्लास पढ़ना शुरू कर दिए हैं तो ज़रूर पढ़िए, पूरी पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो पढ़ लिख के कौन राजा हो गया है, मत पढ़ो। लेकिन अगर पढ़ना है तो क्लास पूरी पढ़िए, ठीक है, बीच में छोड़ के मत जाइए। शुरुआत है, जितना ज़्यादा आप आज सीख लेंगे वो आपके उतना ही ज़्यादा काम आएगा। 12th वालों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से, ये आपके लिए एक सवालों के बीच बीच में आएगा, ठीक है, यूज होगा ये, तो इस ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे हाँ हमें तो ये आता हम कर लेंगे, नहीं, ये तो बिल्कुल छोटी सी चीज़ है आपके लिए। बस मैं आपको साथ ही साथ पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। 3 दिन बाद हम लोग शुरू करेंगे, 3 या 2 दिन बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। पहले आप मैं, लेकिन हाँ नहीं कर पाऊँगा, पहले मैं आपको रिवीजन कराऊँगा थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग 11th वालों के साथ, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और जब मैं 11th की पढ़ाऊँगा केमिकल इक्विलिब्रियम, तो मैं फिर आपको वहाँ भी बुलाऊँगा थोड़ा सा इक्विलिब्रियम रिवाइज करने के लिए। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर दूँगा, रिएक्शन मैकेनिज़म, ठीक है। मैकेनिज़म पढ़ाने के बाद मैं आपको पहला चैप्टर 12th का शुरू करूँगा, एल्किल हैलाइड, ओके। हाँ, चूँकि पहले आप क्लियर हो जाए चीज़ों को, बिल्कुल एकदम पकड़ के चलें। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए 3 क्वेश्चन। पहला लिखिए, यहाँ से आप ना भी उतना अच्छे से नोट कर पाए तो
मैं बोल रहा हूँ उससे नोट जल्दी ली करते रहिए। देखिए, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स इन 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। डरने की ज़रूरत नहीं है नाइन्थ वालों को, अगर आपसे सवाल नहीं भी होते हैं तो यकीन मानिए आपसे सारे सवाल होंगे, आपको आपके हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल दो एक दिन आपकी क्लास इन लोगों के साथ हो रही है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स इन 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, जल्दी से लिखिए, लिख लिए। अगला सवाल लिखिए, हाउ मैनी एटम्स इन 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। कल की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी और कल मैं इसे ख़त्म भी कर दूंगा। थर्ड लिखिएगा, थर्ड क्वेश्चन लिखिए, हाउ मैनी मोल्स इन 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फोर्थ लिखिए, 171 ग्राम ऑफ सुक्रोज अर्थात चीनी। इतने ग्राम ऑफ सुक्रोज कंटेंस कितने मोल। ठीक है, अगला लिखिए, अगला क्या लिखेंगे, अगला लिखेंगे आप 68, थोड़ा सा लिखा हुआ आप सुनते रहिए, 68 ग्राम ऑफ अमोनिया आंटी, अमोनिया। ठीक है, कंटेंस एटम्स, ठीक है, कितने एटम होंगे, ये पांच क्वेश्चन है। कल आप जब सेशन में शुरू करूंगा तो कमेंट्स में शुरुआत यहीं से होगी। ठीक है, इन सब के आंसर मुझे चाहिए। बाद बाकी आपको जो भी आज की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हुई हो वो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, ठीक, ताकि मैं कमेंट देख के मैं कल उसको आगे डिस्कस कर पाऊँ। दूसरी चीज़, ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत हुई हो वो भी बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।